हम अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि किस तरह से चीन ने जो आप बता रहे हैं उसको लेकर चीन की लेकिन ताकत चीन ने किस तरह से बढ़ाई है वो भी आइए बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि चीन ने अपनी ताकत को किस तरह से बढ़ाया है। 13 नए ठिकाने बनाए हैं 3 साल में, यानी डोकलाम के बाद से अभी तक चीन ने 13 नए ठिकानों को तैयार कर लिया है, बनाया है। एलएसी के पास चीन के खतरनाक इरादे रहे हैं। इसके अलावा डोकलाम के बाद से चीन ने अपनी तैनाती, जो सैनिकों की तैनाती थी, उसे डबल कर दिया है। डोकलाम के बाद से एलएसी के आसपास 3 नए सैन्य हवाई अड्डे चीन ने बनाए हैं। इसके अलावा 5 परमानेंट डिफेंस पोस्ट चीन ने बनाए डोकलाम के बाद, चीन ने यह किया है। चीनी सेना के लिए 5 हेलीपोर्ट पर काम भी चल रहा है, यानी 5 हेलीपोर्ट भी यहां पर होंगे। हेलीपोर्ट बनाने का काम गलवान कांड से पहले शुरू किया गया था चीन की तरफ से, यानी पहले से ही चीन यहां पर तैयारी कर रहा था, हेलीपोर्ट बना रहा था। डोकलाम के बाद से काम चल रहा था, गलवान कांड हुआ उससे पहले यह कर रहा था। चीन ने लगातार निर्माण का काम तेज किया है एलएसी के आसपास, यानी चीन युद्ध का अभ्यास लगातार करता रहता है, उसका वीडियो भी सामने भेजता रहता है। रात में भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है चीन, उसके वीडियो भी चीन ने सामने भेजे हैं। लेकिन ये जो दिखाती हैं तैयारियां चीन की, वो ये बताती हैं कि चीन किस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत काम कर रहा था डोकलाम के बाद से ही लगातार। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी